स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप रेशन कार्ड का ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसके थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि 30 सितंबर तक रेशन कार्ड का ई केवाईसी करने का लास्ट डेट रखी गई है। इससे पहले पहले आप अपने रेशन कार्ड का ई केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका रेशन जो है उसको होल्ड कर दिया जाए या फिर आपका रेशन कार्ड को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाए। तो आप जल्दी से 30 सितंबर से पहले पहले आप अपने रेशन कार्ड का ई केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि मैंने ऑलरेडी रेशन कार्ड का ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिए है, बट जब भी हम मेरा रेशन 2.0 एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स पर जाते हैं तो वहां पे आधार केवाईसी जो है वो नॉट वेरीफाइड बता रहा है। तो इसका रीजन क्या है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और ऐसा क्यों आ रहा है, इसका पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है मेरा रेशन 2.0। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मनपसंद से लैंग्वेज चूज करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो आप मेरा रेशन 2.0 का जो लॉगिन पेज है उस पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी यूजर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड सिंपली लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है जो आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ है एंड वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एम पिन क्रिएट करना है। इसके लिए सिंपली क्रिएट नाउ के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एम पिन एंटर करना है। इसके बाद दोबारा आपको उसी एम पिन को यहाँ पे री एंटर करना है एंड सिंपली क्रिएट एम पिन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरा रेशन 2.0 एप्लीकेशंस का जो डैशबोर्ड है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, आने के बाद सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपका रेशन कार्ड का जो पीबीसी कार्ड है यानी जो प्लास्टिक वाला कार्ड है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे तो दूसरे साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी रेशन कार्ड में कितने मेंबर है वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रेशन कार्ड के अंदर में जितने भी यहाँ पे मेंबर है वो सारे मेंबर का जो आधार केवाईसी है वो नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी आधार केवाईसी को कंप्लीट कर लिए है उनका भी यहाँ पे आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, देखिए ये 100% ठीक हो जाएगा अगर आपने ऑलरेडी केवाईसी को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो इसको आप टिक कर पाएंगे, कैसे टिक करेंगे वो भी आगे आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार केवाईसी को कम्प्लीट नहीं किया है तो वो जल्दी से 30 सितंबर से पहले पहले आप अपने आधार केवाईसी को कम्प्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका रेशन जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। तो आधार केवाईसी को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से आपको बैक चले जाना है। ठीक है, और बैक जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है पब्लिक लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक लॉगिन का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन होने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आधार कार्ड के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं, दूसरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं एंड तीसरा रेशन कार्ड के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन दिए गए हैं न्यू यूजर के लिए। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे न्यू यूजर का एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। फिल करके जैसे ही आप नीचे यहाँ पे कंसेंट पर टिक लगा के सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करके जैसे ही दोबारा सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद दोबारा आपको इसी पेज पर आना है। और आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दी गए है इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करना है एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो हम फटाफट फिल करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे फिल कर दिए, आप जस्ट जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड सिंपली यूज ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यूज ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे थ्री लाइन, आपको सिंपली थ्री लाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का एक ऑप्शन, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे गेट आरसी डिटेल्स, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा एंड सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे रेशन कार्ड नंबर, यानी यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड रेशन कार्ड नंबर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे यहाँ पे आपका जो रेशन कार्ड नंबर है उस रेशन कार्ड नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड सर्च नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे रेशन कार्ड नंबर को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेशन कार्ड नंबर एंटर कर दिया है और आप जस्ट यहाँ पे सर्च नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सर्च नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रेशन कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे रेशन कार्ड का जो हेड है उनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और नीचे जितने भी मेंबर्स है, ठीक है, वो सारे मेंबर्स का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे यूआईडीआई स्टेटस, तो यहाँ पे सभी मेंबर के आगे यहाँ पे यस लिखा हुआ है। इसका मतलब जितने भी मेंबर्स इस रेशन कार्ड में हैं सभी का ईकेवाईसी कंप्लीट है। और उसी मेंबर को मैंने यहाँ पे मेरा रेशन 2.0 एप्लीकेशंस पे मैंने चेक किया था तो वहां पे आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं जितने भी लोगों ने मेरा रेशन 2.0 एप्लीकेशंस पर अपने आधार केवाईसी को नॉट वेरीफाइड देखा है, आप इसी वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार केवाईसी है और कंप्लीट है या फिर नहीं है। क्योंकि मेरा रेशन 2.0 जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल नया है, इसको अभी तक अपडेट नहीं किए गए है पूरी तरह, इसकी वजह से वहां पे आधार केवाईसी जो है वो नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने भी ईकेवाईसी कंप्लीट कर लिए है और मेरा रेशन 2.0 में आपका आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार केवाईसी कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको जल्दी से आपके नजदीकी जो भी आपने रेशन डीलर है उनके पास जाना है और जाके आपका जो रेशन कार्ड का ईकेवाईसी है उसको कंप्लीट कर लेना है 30 सितंबर से पहले पहले। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका रेशन को होल्ड कर दिया जाए या फिर आपका जो रेशन कार्ड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या इश्यूज आ रहा है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।